गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो। तो आज जा रही हूँ मैं अपनी मम्मी के घर। अभी बस मैं नहा के ही निकली थी और काम सारा ख़त्म कर दिया। आज जल्दी जल्दी काम करा तो मुझे कुछ याद नहीं रहा रिकॉर्ड करूँ। और शोन भी मतलब बेटी है छोटी सी, तो उसको भी देखना पड़ता है, काम भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो इसलिए नहा नहीं रहता। हाँ कर ले, तो मुझे इतना याद नहीं रहता कि कुछ शूट भी करूँ। अभी फिलहाल मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो मैं अभी नस नहा के निकली हूँ। बाल अभी देखो मेरे हल्के हल्के धागे से बैठ के हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं। और वेदर जो है कुछ खास नहीं है आज, अभी बारिश हो रही है, बस थोड़ी सी हल्की सी रुकी है, अब रुकी है, वरना सुबह मॉर्निंग से बारिश हो रही थी बहुत गंदी वाली। और देखो बारिश गंदी भी फाइबर पे से भी टपक रही है। तो बस अब मैं जाऊंगी और ख़त्म है, और अब मैं तैयारी करूंगी घर जाने के लिए। कुछ पैकिंग वैकिंग भी करनी है, अभी कुछ पैक नहीं किया। अभी बैग वैग भी पैक करना है, शोना का सामान भी पैक करना है। तो फिलहाल मैं करती हूँ काम। और जस्ट अभी नहा के ही निकली थी और बेटी मैं अपनी सुला के गई थी, उसको फीड वगैरह करा के आराम से। अब मुझे भूख लग रही है, पहले मैं लेके आती हूँ कुछ खाने के लिए। और फिर उसके बाद अभी मुझे अपना फेस भी क्लीन करना है, सोच रही हूँ काफ़ी टाइम बाद से कुछ ब्लीच क्लीन अप वगैरह कुछ नहीं किया, तो हल्का सा जल्दी जल्दी मैं क्लीन अप करके, तो सोच रही हूँ हल्की सी ब्लीच कर लूँ और हल्का सा लिटिल बिट क्लीन अप कर लूँ छोटे से, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 15 मिनट का ही सही, क्योंकि बेबी होती है तो उसके वजह से टाइम नहीं मिल पाता कुछ भी। तो चलो पहले कुछ खाने के लेके आए। आज लगा ली है मैंने हल्की सी फेस पे ब्लीच, क्योंकि बताया था मैंने आपको मम्मी के घर जाना है, काफ़ी टाइम बाहर जाते हैं, थोड़ा फेस क्लीन तो लेके जाना चाहिए। और आज सोना जाएगी पहली बार अपने नाना नानी के घर, वो जब से हुई है तब से कभी नहीं गई। जब आज वो फर्स्ट टाइम विजिट करेगी अपने नाना नानी के घर, और उनका एक्साइटमेंट है। फ़ोन आया था उनका मुझे कि कब आ रही है, तो मैंने कहा अभी आऊँगी। बारिश भारत जो है एकदम बारिश वाला वेदर हो चुका है, बिल्कुल सुबह से बारिश हो रही है। और मम्मी के घर वहाँ बारिश नहीं हो रही। मेरी मम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 7-7.5 किलोमीटर है मेरे घर से। मुझे ज़्यादा दिन नहीं, 15-20 मिनट लगेंगे, कैब करके जाऊँगी। और मेरे साथ जाएगी मुस्कान और मेरे हस्बैंड भी जाएंगे। मुस्कान और मैं दोनों ही भूत बने पड़े हैं, वाइट हो रखे हैं, ब्लीच कर रखे हैं हम दोनों ने। हम छोटा सा क्लीन अप टाइप करेंगे। और सोना मेरी सो रही है आराम से, तो सोना मेरी सो गई है। और बैग मैंने वो वाला थैला पैक करा है, और एक बैग में हैंड बैग लूँगी, अपना पर्स भी लूँगी, और एक दूसरा हैंड बैग लूँगी जिसमें मैं सोना की सारा मतलब जो मेडिसिन वगैरह ये सारा मेडिसिन बॉक्स है उसके सारे सामान डालूँगी, ताकि उसको दिक्कत ना हो। और इवन मुझे एक महीने के लिए मैं जा रही हूँ उनके पास रहने के लिए। और बाहर भी मौसम ख़राब है, तो मुझे कपड़े ऐसे सुखाने पड़ रहे हैं कुछ यहाँ और कुछ वहाँ, ऐसे खिड़कियों पर सुखा सुखा के काम चला रही हूँ। सोना का मैट भी मैंने वहाँ बैठ के सिराने पर डाल रखा है। सोना के कपड़े, ये कपड़े मैंने उसको बना के लेके जा रहे हैं, न्यू कपड़े थे, मैंने उसको वॉश कराया, क्योंकि मैं नए कपड़े जो है डायरेक्ट नहीं पहनाती बच्चों को, क्योंकि उससे रैशेज होने के चांसेस रहते हैं। तो काम तो फिलहाल में हो गया है सारा ख़त्म, तो अभी जाती हूँ, प्लीज उतार दें। रास्ते का ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और मुझे याद भी नहीं रहा हर बार की तरह जैसे हमेशा होता है। और इस बार फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, हालत बहुत ख़राब थी, है ना, बहुत ज़्यादा गंदी वाली हालत ख़राब हो गई थी।
बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। और आज मैंने वेयर किया था सूट, बहुत ही प्रिटी सा, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई, मैंने दिखा भी नहीं पाई आपको कुछ भी। हम सारे लुटे पिटे हालत में रखे हैं और लेटे हुए हैं, पीछे कूलर चल रहा है, अशोना सो रही है, मुस्कान अपने लैपटॉप में काम कर रही है, ऑफिस कराई है विजय वहाँ अपने, या मेरी मेरे बचपन का खटोला है जिसको विजय आराम से लेटे हुए, देखो छोटा सा खटोला है ये, मम्मी और वो बैठे हुए सामने, हम सब बातें कर रहे हैं और पापा सो गए हैं, पापा आएंगे शाम को, भाई गया है बाहर गांव वगैरह गया है, वो भी पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तब आएगा। अरे देखो बालों की हालत कैसी है, थोड़ी बुरी हो रही है इधर अपोजिट साइड बैठे और काफ़ी टाइम बाद आ गए मेरी चूड़ियाँ। तो टाइम है करीबन 9 बज गए हैं शाम के और मुस्कान आज नहीं स्टे करेगी, हमारा शाम को बिग बॉस चलेगा, हम बिग बॉस वाली बात करें, 9 बज चुके हैं, 9 अभी बज रहे, नहीं अभी बज रहे हैं 9 बज के कितने मिनट, रुक जाओ, 9 बज के अभी 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा का चल रहा है, हमारी मूवमेंट चल रही है, मुस्कान अपना फ़ोन चला रही है, मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, शोना मेरी लेट के खेल रही है मासी के साथ में, ये देखो, और मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही है तो मैं अभी पहले उनकी कॉल रिसीव करती हूँ फिर मिलती हूँ। ये शोना मेरी पैर मुंह में लेने की कोशिश कर रही है, अब ये पैर मुंह में चूसने की शुरुआत करती है, मुस्कान की मम्मी ने बोला था मुझे कि धीरे धीरे करके पैर भी चूसेगी है शोना। मैं चूस रहा हूँ। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही।